स्थित रियाडा अधिग्रहित भूमि पर संचालित विभिन्न कंपनियों के फैक्ट्रियों में प्रभावित रैयतों को प्राथमिकता के साथ रोजगार देने एवं फैक्ट्रियों द्वारा फैलाए जा रहे प्रदूषण को नियंत्रित करने की मांग को लेकर कोंडरा के रैयतों सहित अन्य लोगों द्वारा पिछले 3 जनवरी से अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे लोग हैं। कोंडरा से प्रभावित रैयत लोग निर्माणधीन पवनपुत्र पॉलीटेक कंपनी के मुख्य द्वार पर कैंप लगाकर धरना पर बैठे हैं। धरना का नेतृत्व कोंडरा निवासी रैयत मोहम्मद सिराज अली व मोहम्मद इरमान कर रहे हैं। सिराज अली ने कहा कि जमीन हम लोगों को औने पौने दाम पर लेकर कंपनी द्वारा झूठा आश्वासन दिया गया है, ना ही हम लोग को रोजगार दिया जा रहा है और ना ही कोई सुविधा प्रदान किया जा रहा है। अगर कुछ मिल रहा है तो वह है केवल प्रदूषण। पवनपुत्रा पॉलीटेक में पिछले 2 वर्षों से लगभग सिविल का पूरा कार्य कर रहे हैं और उसके बाद आज मिट्टी फिलिंग का काम है इस कंपनी में, जो मुझे नहीं दिया जा रहा है और ओ बाहर के लोगों को दिया जा रहा है। अब मुझे आश्वासन दिया गया था कि आपको काम देंगे, लेकिन अभी तक काम नहीं मिला है और दूसरों को दिया गया। कंपनी द्वारा हमारे साथ सिर्फ छलावा किया गया है। हम उचित रेट पर काम करने के लिए तैयार है, उसके बाद भी रैयतों को काम नहीं दिया जा रहा है। आज हम लोग पिछले 3 दिनों से इस धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। आज हमारी सूद लेने के लिए न यहाँ का शासन प्रशासन आज तक कोई नहीं आया है। हमारी मांगे हैं कि हम रियाडा प्रभावित पीड़ित रैयत हैं, जो कि हमारी ज़मीनें औने पौने भाव में जो ली गई है और हमें यह आश्वासन दिया गया था कि यहाँ के लोगों को रोज़गार और विकास दिया जाएगा, और ना विकास किया जा रहा है और ना ही आज जितना भी प्लांट और फैक्ट्री चालू उसमें हमें रोज़गार दिया जा रहा है। हम रैयत यहाँ पे पिछले 1 वर्षों से बाउंड्री वाल का काम कर रहे हैं। कंपनी द्वारा आश्वासन दिया गया कि यहाँ मिट्टी जो फिलिंग होगी वो आप लोगों को दिया जाएगा, लेकिन कंपनी के कैलाश अग्रवाल के द्वारा छलावा करके हम रैयतों को प्राथमिकता ना दे करके बाहरी लोगों को यहाँ पे प्राथमिकता दिया जा रहा है, उसके विरुद्ध में हम लोग आंदोलन पर बैठे हैं। और जितने भी प्लांट और फैक्ट्रियाँ यहाँ पर लगी हैं उनसे काफ़ी मात्रा में प्रदूषण फैल रहा है, जिससे हम लोग बहुत प्रभावित हैं। कहने का मतलब ये है हम लोगों का कि ज़मीन हमारी जाए, धुआं प्रदूषण हम लोग खाएं और यहाँ रोज़गार दूसरे को दिया जाए। इसीलिए अगर हमारी मांगे नहीं सुनी जाती है तो हम लोग उग्र आंदोलन करने के लिए भी तैयार हैं। कुछ नहीं, आप जाके सर्च कर सकते हैं प्लांट में कितने लोकल को प्राथमिकता दिया गया है, कितने लोकल लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। नहीं, किसी भी कंपनी के प्रतिनिधि द्वारा हमसे कोई भी वार्तालाप नहीं किया गया है समस्या का समाधान करने के लिए। एक तरफ कंपनी कह रही है कि हम लोग वार्ता के तैयार है, लेकिन आप लोग क्या कहना चाह रहे हैं? कंपनी सिर्फ छलावा दे रही है, कंपनी मनमाना कार्य कर रही है। कंपनी से हम लोग का जो वार्ता हुआ था कि काम में प्राथमिकता रैयत को हम देंगे, लेकिन कंपनी सिर्फ छलावा के अलावा कुछ भी हम लोग के साथ नहीं किए। वहीं अन्य नेतृत्वकर्ता मोहम्मद इरमान ने कहा कि पवनपुत्र पॉलीटेक कंपनी द्वारा जो काम हम लोग को मिला था वह काम रैयत से छीनकर बिना कोई सूचना दिए बाहरी लोगों को दे रही है, जिसका परिणाम है कि वह आज हम सब रैयती आंदोलन पर उतर आए हैं। यदि हमारी मांग पूरी नहीं किया गया तो हम लोग बड़े आंदोलन की ओर अग्रसर कर जाएंगे।